हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ नंबर 5 के बारे में, यानी कि प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में, बुध के बारे में। जो लोग नंबर 5 के हैं वो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लेकिन जो नंबर 5 के नहीं हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, या रिलेशनशिप में या जॉब में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, या किसी भी काम में फोकस नहीं रहता, स्टडीज़ में फोकस नहीं रहता, तो एंड में मैं आपको दूंगी बहुत ही सिंपल येट हेल्पफुल टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5 के वो लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में, 5th, 14th या 23rd को, या वो लोग जो जेमिनाई होते हैं या वर्गो होते हैं, उन्हें भी रूल करता है प्लैनेट मर्क्यूरी यानी कि बुध। बुध जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, बुद्धि का प्लैनेट। तो जो नंबर 5 के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि नंबर 3 के बारे में भी मैंने कहा कि वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। जो नॉलेज होता है वो आप गेन करते हैं पढ़ाई करके, रिसर्च करके, लेकिन इंटेलिजेंस इनहेरेंट होता है, वो आपके अंदर पहले से ही होता है। तो जो नंबर 5 के लोग होते हैं वो इनहेरेंटली बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो कोई भी काम को बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, तो जो नंबर 5 के लोग होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत ही क्विक लर्नर होते हैं। नंबर 5 के लोग बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल भी होते हैं। यदि आपने देखा होगा कि यदि वो 9 to 5 जॉब भी कर रहे हों तो क्या पता वो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, यदि कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर हो तो वो क्या पता बहुत अच्छा खाना भी बनाता हो। उनमें बहुत तरह के गुण होते हैं, वो एक चीज़ में टिक कर नहीं रहते। यदि वो कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। यदि वो जॉब भी कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ वो कुछ ऐसा भी कर रहे होते हैं जहाँ से उन्हें फाइनेंशियल गेन होता रहे। तो नंबर 5 के लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करना जानते हैं। नंबर 5 के लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहता है, वो उन्हें घूमना बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं। नंबर 5 के लोग यदि ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में यदि काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। नंबर 5 के लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो कभी भी आप किसी भी नंबर 5 के लोगों को ऐसा नहीं देखेंगे कि वो बहुत हार्श बोले या रूड बोले, वो बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही स्माइलिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही सोच समझकर संभल के बात करते हैं और उनकी बातों को लोग मानते भी हैं। बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से नंबर 5 के लोग बात करते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा तरीका जानते हैं, चाहे वो लिखने का माध्यम हो या बोलने का माध्यम हो, वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नंबर 5 के लोग जैसा कि मैंने कहा कि बहुत क्विक होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, वो कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं रहते। यदि वो काम कर रहे होते हैं और वो बहुत ही मंडेन जॉब हो, बहुत ही मोनोटोनस हो जाए उनके लिए, तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और वो काम छोड़ भी देते हैं, चाहे वो उसमें कितना भी अर्न क्यों नहीं कर रहे हों। नंबर 5 के लोग फास्ट मूविंग चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो फास्ट ड्राइविंग हो, स्पोर्ट्स हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो नंबर 5 के हैं, उन्हें Formula 1 देखना बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत फास्ट मूविंग स्पोर्ट होता है। नंबर 5 के लोग में हमेशा ये देखा गया है कि वो जैसा मैंने आपको कहा कि वो एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है जैसे वो अपनी जॉब बार बार चेंज करते हैं तो वो कभी कभी रिलेशनशिप में भी बोर हो जाते हैं और अपनी रिलेशनशिप से भी बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये जो उनकी स्ट्रेंथ है कि वो बहुत ही फास्ट लर्नर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी वीकनेस भी बन जाती है कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बोर भी हो जाते हैं। अब मैं आपको दूंगी कुछ यूज़फुल टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपने मर्क्यूरी को, अपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, फोकस ला सकते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब
आप अपने आप में कोई चेंज लाते हैं बेटरमेंट के लिए, उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि बाकी सारे जो उपाय होते हैं वो तो हैं, लेकिन अपने आप में चेंज लाकर ही आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा टिप है, क्योंकि मर्करी प्लैनेट है जिसे हम बुध भी कहते हैं, इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, तो आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप किसी न किसी गुरु के कॉन्टैक्ट में ज़रूर रहिए, चाहे वो आपका मेंटोर हो, चाहे वो आपके गाइड हो, आपके टीचर हो, या आपके पेरेंट ही क्यों ना हो। जब आप किसी से एक गाइडेंस लेते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जाते हैं, आप कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देकर बताना चाहती हूँ। सपोज़ आप किसी जॉब में बोर हो गए हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यदि आप अपने मेंटोर से बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये जॉब अभी छोड़ना सही नहीं है, मार्केट में और जॉब्स नहीं हैं, या इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, तो क्या पता आपको वो सही वक्त पर सही राय मिल जाने से आप उस वक्त वो अपनी जॉब नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा एक मेंटोर के गाइडेंस में रहने की बहुत ज़रूरत है। सेकंड टिप है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नंबर 5 के लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि आपका मर्करी स्ट्रांग नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसके लिए आप हमेशा पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के को जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने लगता है। आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, आप अच्छे लोगों को सुनते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे रेडियो पे आप सुन रहे हो, या आप फेस टू फेस आप कोई सेमिनार करते हैं। आप जब एक अच्छे इंसान को सुनते हैं, उनके व्यूज़ को सुनते हैं, तो वो आप खुद भी वैसा ही फील करते हैं। तो आप हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहिए, उन्हें सुनिए, बुक्स पढ़िए, उससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। मर्क्यूरी, जैसा कि मैंने कहा कि सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट प्लैनेट है, वहीं वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। तो जैसे कि हम सूरज को हम राजा बोलते हैं, तो जो मर्क्यूरी है उसे आप प्रिंस या प्रिंसेस का नाम दे सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं। तो वैसे ही आप यदि किसी भी छोटे बच्चे को जो नीडी हैं, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, यदि आप उन्हें पढ़ाने के लिए आप कुछ पैसे देते हैं, या आप उनकी अपब्रिंगिंग के लिए आप कुछ डोनेट करते हैं, तो भी आप अपने मर्करी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मर्करी का कलर ग्रीन होता है, हम सब जानते हैं। तो यदि आप अपने आसपास ग्रीनरी लगाते हैं, अपने आसपास ग्रीनरी रखते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, अपने घर में आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, सिर्फ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी सेवा भी करना, उनकी देख रेख भी करना, जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी फ़ायदा ही कर रहे हैं, और आप अपने मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसा मैंने बताया कि मर्क्यूरी ग्रीन कलर को डिनोट करता है, तो आप जो भी कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो भी आप अपने मर्क्यूरी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर को यूज़ करना, चाहे वो आपकी क्लोदिंग में हो, आपके डाइट में हो, या प्लांट्स लगाना हो। मर्क्यूरी का स्टोन होता है एमेरल्ड, जो ग्रीन कलर का होता है, पन्ना होता है, यदि आप वो पहनना चाहें तो आप वो भी पहन सकते हैं, उससे आपका फोकस बहुत बना रहता है। ये तो स्टूडेंट्स को भी एडवाइस किया जाता है पहनने के लिए कि उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, आप वेल्थ भी अट्रैक्ट करते हैं जब आप एमरल्ड पहनते हैं। तो मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, जब भी आप कुछ भी बोलते हैं, यदि आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं, यदि आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो भी आप अपने मर्करी को वीक करते हैं। तो कभी भी किसी के बारे में कुछ बुरा मत बोलिए, कुछ अपशब्द मत बोलिए, कुछ भी डेरोगेटरी बात किसी के बारे में मत बोलिए, उससे आपका मर्करी स्ट्रांग होगा। और कितनी ताज्जुब की बात है कि जो आप कर रहे हैं, आप उसका कहीं ना कहीं खुद आप बेनिफिट ले रहे हैं। जब आप अच्छा बोलेंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को वैल्यू देंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हुए भी शायद वो भूल जाते हैं और अपना ही नुकसान करने लग जाते हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ टिप्स दूँ, जिसे आप फॉलो करके, आप वापस से रिमाइंड करके, आप उसे याद करके उसे फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से दूर रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा
यूज़फुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप अपने कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, वीनस के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ़।